शुक्रवार को नगर पालिका निगम भिलाई की सामान्य सभा पक्ष और विपक्ष के बीच गहमा गहमी के माहौल के बीच संपन्न हुई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के कई ऐसे मुद्दों पर घेरा जिसका जवाब सत्ता पक्ष बमुश्किल ही दे पाया। इन मुद्दों में विशेषकर साफ सफाई का मुद्दा अहम रहा। साथ ही पूर्व में निगम भिलाई क्षेत्र में पेयजल की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कई बार पाइपलाइन बिछाने एवं निगम द्वारा बनाई गई टंकियों को अब तक पूरी नहीं भर पाने का मुद्दा भी शामिल रहा। वही विपक्ष ने सूर्या मॉल को लेकर भी कई सवाल उठाए। अवैध कब्जों का मामला भी पूरी सदन में गरमाता रहा। वहीं करों की वसूली भी शत प्रतिशत नहीं होने को लेकर विपक्ष सत्ता पर हावी रहा। विशेष तौर पर साफ सफाई के ठेके को लेकर सदन का पारा चढ़ता नजर आया। इसकी अनुमति के लिए हमको शासन से अनुमति लेना है, उसी के बाद कार्य आगे बढ़ता है। कोई मेरे महापौर परिषद कोई सामान्य सभा के बोलने से नहीं हो सकता। शासन को भेजना है पत्र लिखकर, शासन की अनुमति भी चाहिए, तभी कार्य आगे बढ़ता है। और अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति राजू जी मेरे बड़े भाई है, सदन के बाकी सब पार्षदों को पछाड़ते हुए सदन में बहुत ही प्रवक्ता के तौर पे सम्मानित पीयूष मिश्रा जी वरिष्ठ हैं और बात रख रहे हैं निश्चित, क्योंकि वरिष्ठता उनके साथ में है। और ये बात सदन के अंदर में इसलिए रखी जा रही है क्योंकि इस पूरा शहर गंदगी से भरपूर है और हम लोगों में एक व्यवस्था होती है, हम लोग अपने स्तर पे बात रखते हैं, तो बात रखने के लिए सदन में किसी एक को हम लोगों के द्वारा, चाहे सदन में चाहे मैं हूँ, चाहे सभी नेता उपनेता प्रतिपक्षी हो, चाहे पीयूष मिश्रा जी, चाहे अन्य लोग, यहाँ कोई पछाड़ वाला खेल नहीं खेला जा रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार की नहीं है, सहमति वाली बात चल रही है, सफाई वाली बात चल रही है। इससे पहले भी बोला जाता है।
और सांख्यिकी विभाग जाने के बाद राज्य सरकार की अनुमति आती है और उसके बाद उसको चेंज कर दिया जाता है। ये और दूसरी बात है कि जब निर्माण कार्य चालू किया जा चुका था वहां ऐसा कौन सा शख्स है, ऐसी कौन सी ताकत है कि जो 22,000 स्क्वायर फीट में कब्जा करके रखा हुआ है पर आप हटाने की बात नहीं कर रहे उसको। एक गरीब आदमी, एक बुजुर्ग आदमी के लिए सोच रहे हैं माननीय भसीन साहब, इस शहर में, इस राज्य में अगर पहला सियान सदन किसी ने बनाया तो माननीय विद्यार्थन भसीन जी ने बनाया था। और आज शहर के अंदर में लगभग 42 से 45 सियान सदन अगर निर्मित है उसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी के उसमें दो तरह के प्रस्ताव थे। एक प्रस्ताव था जो पहले जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो सफाई हो रही थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में सफाई जो कंपनी कर रही थी, चुनाव के लोकसभा चुनाव के कारण आगे नहीं बढ़ाई जा सकती थी, उसका टाइम एक्सटेंशन देने के लिए था कि अगली निविदा होने तक के, क्योंकि सफाई का काम बेहद जरूरी काम है और उसको बंद नहीं किया जा सकता, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए उस प्रस्ताव को अगले निविदा होने तक के उसका समय अवधि बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए नए टेंडर में हमको जाना है सफाई को लेकर, वो प्रस्ताव सदन पुरानी बताई है, मैंने भी सभापति और जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उसके लिए आयुक्त सक्षम जी वो आगे जो अगले 15 दिन के बाद जो फिर से एक बैठक बुलाई जा रही है उसमें ऐसा सभी सदन का ये मंतव्य था कि सभी का सामूहिक जो प्रस्ताव बन रहा है अगले साल, क्योंकि सबसे प्रमुख काम है सफाई, वार्डों का सबसे प्रमुख काम है और नगर निगम का भी जो जरूरी काम है, जो नगर निगम जिस काम की प्राथमिकता से सफाई और पानी नगर निगम की पहली प्राथमिकता रहती है, तो हमारा भी ये सोचना था कि सभी सदस्यों का उसमें सुझाव आ जाए, तो सबके सुझाव को जोड़कर आज विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो आने वाले वो प्रस्ताव था, तो आज सदन की जैसे मंशा थी वो ठीक भी है, होना भी चाहिए और हम लोगों ने भी सबने सहमति देकर इसको 15 दिन के बाद सभापति से आग्रह किया, 15 दिन के बाद एक बार फिर से सभा की बैठक बुला लें ताकि सदन के सभी सदस्यों का सुझाव भी आ जाए, सुझाव को जोड़कर एक अच्छे व्यवस्था से हम लोग अगले फाइनेंशियल ईयर में सफाई करा सकते।